अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मेक एजुकेशन इजी। स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में आज हम पहुंचे हैं टाइप्स ऑफ एडवर्ब की तरफ। तो एडवर्ब मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि वो वर्ड्स होते हैं जो वर्ब, एडजेक्टिव या किसी और एडवर्ब के मीनिंग को मॉडिफाई करते हैं, जैसे स्लोली, फास्टली, क्वाइटली। तो इस किस्म के जो वर्ड्स हैं वो एडवर्ब में आते हैं। अब एडवर्ब के आगे से टाइप्स हैं बहुत सारी। जो पहली एडवर्ब की टाइप हम डिस्कस करने लगे हैं वो है एडवर्ब ऑफ टाइम। तो एडवर्ब ऑफ टाइम में हमारे पास क्या हुआ, नहीं हमारे पास टाइम बताया जाएगा, बट इसको याद रखने की जो मेन पॉइंट है वो ये है कि जो सेंटेंस होगा वो हमें आंसर करेगा व्हेन का। इट आंसर्स द क्वेश्चन व्हेन। जैसे मैं अभी एग्जांपल लिखती हूँ तो हमें क्लियर होगा कि किस तरह ये व्हेन का आंसर करेगा। जैसे द दैट डे That day he arrived late। तो अब देखेंगे हमारे पास when कहाँ से आएगा। जैसे हम कहें कि when he arrived late, तो that day he arrived late। तो ये यानी ये sentence अब हमारे पास इसकी example है, तो ये हमारे पास when का answer कर रहा है। इस तरह एक और अगर हम sentence लिखें, wasted time never returns, ठीक है। तो अब वेस्टेड टाइम नेवर रिटर्न्स। अब यहाँ पे नेवर जो है वो हमारे पास एज अ एडवर्ब ऑफ टाइम यूज हो रहा है। ऊपर वाले सेंटेंस में हमारे पास लेट जो है एज एडवर्ब ऑफ टाइम यूज हो रहा था। अब नेवर, ये भी एक हमारे पास टाइम के नेवर के कभी लेट नहीं है, तो ये टाइम बताएगा कि कब, ठीक है। तो वेस्टेड टाइम कभी हमारे पास वापस नहीं आता है, तो इस तरह ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम होंगे क्योंकि ये व्हेन के आंसर्स करेंगे। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस से आपको पता चल रहा है कि कहाँ, प्लेस कोई जगह बताई जाएगी, तो ये हमारे पास आंसर करेगा वेयर का। आंसर्स द क्वेश्चन वेयर, वेयर, ठीक है। जैसे अब हम एग्जाम्पल लेते हैं स्टैंड हेयर। तो अब देखें वेयर ही स्टैंड, तो हेयर यहाँ पे वो खड़ा है, तो इस तरह से वेयर का आंसर करेंगे। उसी तरह एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ही लुक्ड अप, तो वेयर ही लुक्ड अप, ठीक है। तो इस तरह ये वेयर के आंसर देंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास थर्ड है वो है हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है, ये हमारे पास आंसर है क्वेश्चन का हाउ। इट आंसर्स द क्वेश्चन हाउ। हाउ का भी और इन व्हाट मैनर, की बात किस मैनर में हो रही है, और इन व्हाट मैनर। तो इसके अब एग्जांपल देखते हैं, अहमद रीड्स क्लियरली। तो देखिए अगर हम लिखें हाउ अहमद रीड्स, तो ये हाउ का आंसर कर रहा है कि अहमद रीड्स क्लियरली। तो क्लियरली हेयर इज एडवर्ब ऑफ मैनर। एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं, शी सिंग्स ब्यूटीफुली। तो हाउ का आंसर कर, अगर हम कहें कि हाउ शी सिंग्स, तो हमें आंसर मिल जाएगा कि शी सिंग्स ब्यूटीफुली। तो इट इज दैट वर्ब ऑफ मैनर। नेक्स्ट है हमारे पास एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक है। एडवर्ब ऑफ डिग्री, ये हमारे पास आंसर है क्वेश्चन का हाउ मच, या टू व्हाट एक्सटेंड, या टू व्हाट डिग्री, ठीक है। इट आंसर्स यानी किस हद तक, इट आंसर द क्वेश्चन हाउ मच, हाउ मच, और टू व्हाट एक्सटेंट, एक्सटेंट, ठीक है। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, आई एम फुली प्रिपेयर्ड, तो हमें ये आंसर कह रहा है कि हाउ मच आई प्रिपेयर्ड, तो आई एम फुली प्रिपेयर्ड, तो ये हमें हाउ मच का आंसर कर रहा है। तो दैट इज द एडवर्ब ऑफ डिग्री। इस तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ही वॉज टू केयरलेस, तो हमें डिग्री बताई जा रही है कि हाउ मच, वो कितना केयरलेस है, तो ही वॉज टू केयरलेस। तो
इट आंसर्स द क्वेश्चन हाउ मच. तो ये थी हमारे पास फोर बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स एडवर्ब की. आई होप सो आज आपको एडवर्ब की टाइप की समझ आई होगी. अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो वीडियोज को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.